एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट वीडियो। एक्चुअली आज का व्लॉग है मेरी नीस के बर्थडे का, तो मैं आपको दिखाऊंगी हमने उसकी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की। तो सुबह सुबह मैं अभी उठी हूँ, तो सबसे पहले मैं हीटिंग लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड हुई है, तो इसलिए सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तो हीटिंग ही लगानी पड़ती है। उसके बाद मैं बच्चों को कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह दे रही हूँ और सबसे पहले मैं इनको मिल्क दे देती हूँ क्योंकि मिल्क पी के थोड़े से बच्चे काम डाउन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर मैं इनको ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो बस यही कुछ चल रहा है। और आज मैं एक्चुअली आपको नीस की बर्थडे का व्लॉग दिखाना चाहती हूँ। और मेरी नीस जो है वो 1 ईयर ओल्ड हुई थी, और ये है कि मेरी जो सेकंड ओल्डेस्ट सिस्टर है उनकी बेटी है मदीना, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत उनकी बर्थडे पार्टी हुई थी और बस छोटा सा गेट टुगेदर हुआ था। तो आइए चल के मैं आपको दिखाती हूँ मेरी नीस की बर्थडे का व्लॉग, और कुछ वीडियो क्लिप्स में कुछ पिक्चर्स में मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो उस दिन मैंने ये ड्रेस पहना था, ये काफ़ी नाइस है, और इसके साथ ये मैचिंग स्कार्फ ले लिया था मैंने, ये भी साथ मैच हो गया था, और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल था, और ये है कि ड्रेस काफ़ी वॉर्म भी है क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, और ये साथ मैंने मैचिंग शूज़ पहन लिए थे, ये भी ड्रेस के साथ मैच ही हो गए थे, अंदर ही पड़े हुए थे काफ़ी, तो ड्रेस के साथ मैच हो गए थे। ये है कि काफ़ी खूबसूरत ड्रेस लगा था, साथ ये हाई हील्स शूज़ और साथ स्कार्फ काफ़ी नाइस लगा था। और हमारी जो लिटिल मैडम है उनके लिए मैंने ये लहंगा निकाला था उस दिन, ये येलो कलर में है, येलो एंड गोल्ड कलर में, बहुत ही खूबसूरत लगा था। साथ ये पिंक कलर के शूज़, पिंक कलर के शूज़ तो किसी भी कलर के साथ चले जाते हैं, और नीचे शर्ट एंड टाइट पहना दी थी क्योंकि काफ़ी सर्दी है। तो ये भी मेरी एक नेबल लाई थी इनके लिए। और मेरे जो साहिबजादे हैं सुभान, उनके लिए तो मैंने ये शर्ट निकाली थी, काफ़ी वॉर्म है, साथ ये जीन्स मैच हो गई थी उसके, और ये काफ़ी वॉर्म मटेरियल है। मैं अपने बेटों के लिए काफ़ी नेक्स्ट ब्रांड से लेती रहती हूँ कपड़े क्योंकि उनके काफ़ी नाइस क्वालिटी होती है, मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, और ये काफ़ी वॉर्म है क्योंकि अभी विंटर है, तो ये है कि ये भी इनको, इसमें बच्चे गर्म रहते हैं ना, अगर कुछ गर्म उनको पहना दो विंटर में। उसके बाद जी जनाब मैं रेडी हो गई थी, और मैंने साथ ये बैग, हैंड बैग भी उठा लिया था, ये भी कुछ मैच हो गया था कपड़ों के, तो इसलिए ये साथ ले लिया था। और मैंने कुछ खास ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी थी क्योंकि बच्चे साथ थे मेरे, साथ छोटी थी और साथ मेरे छोटे बेटे थे, तो इसलिए बच्चों के साथ आप ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन सकते, थोड़ा सिंपल ही रहना पड़ता है। और बस फिर मैंने साथ ये रेडी हो के फिर बच्चों को भी रेडी कर दिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, पार्टी मतलब स्टार्ट हो चुकी थी, तो फिर बस मैं अपने बड़े बेटे को अपने हस्बैंड के पास छोड़ गई थी और खुद ही मैं अपने इन दोनों बच्चों के साथ चली गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं उनके घर पहुंच चुकी थी, और ये माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ही नाइस डेकोरेट घर किया हुआ था, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत उन्होंने घर डेकोरेट किया हुआ था, इतने बलून्स, इतने कलरफुल बलून्स, और सब कुछ मतलब कि पिंक, रेड, वाइट, ब्लू, सब कुछ बहुत गर्ली गर्ली था, और साथ ये चॉकलेट्स थे, कैंडल्स थी टेबल्स पर, ग्लिटर थी, केक था, केक भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था, और कप केक्स थे, बहुत ही सब कुछ खूबसूरत था, और काफ़ी नाइस उन्होंने जो है ना घर डेकोरेट किया हुआ था, काफ़ी मज़ा आया था। और फिर आप देख सकते हैं कि ये लिटिल मैडम भी टेबल पर बैठी हुई थी, मदीना है इनका नाम, माशाल्लाह से हमारी बहुत ही प्रिंसेस है हमारी घर की, क्योंकि ये बहुत ही मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई हैं और हमारी बहुत ही लाडली हैं, और अपने दादकों की भी बहुत लाडली हैं, पाकिस्तान में इनके दादी दादा हैं और इनके इन लॉज पाकिस्तान में भी हैं। तो ये है कि माशाल्लाह से काफ़ी नाइस एक छोटा सा गेट टुगेदर हो गया था, मेरी आंटी वगैरह भी आई हुई थी, बट मेरी आंटीज़, मेरी कज़न भी एक दो आई हुई थी, और मेरी बड़ी सिस्टर और उनके बच्चे भी आए हुए थे। और ये है कि बच्चे काफ़ी खुश थे क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह खा रहे थे, बार बार बच्चे चॉकलेट्स वगैरह स्वीट्स उठा के खा रहे थे, और बलून्स के साथ बच्चे खेल रहे थे, मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ पे तो इतना गेट टुगेदर होता नहीं है, पर सम टाइम अगर हम लोग इकट्ठे होते हैं कहीं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ यूके में तो बस अपने अपने घरों में और अपनी अपनी लाइफ बस ऐसे ही गुजारते हैं सब, तो कभी कभी कोई ओकेजन अगर होना तो फिर हम गेट टुगेदर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं उनका केक है, उसके ऊपर इनकी फ़ोटो बनी हुई है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत केक था और बहुत ही मज़े का था, खाने में बहुत ही यमी था माशाल्लाह से, और सब कुछ बहुत ही नाइस डेकोरेट किया हुआ था इनने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने और मेरी सिस्टर ने, खुद ही सब अपना घर डेकोरेट किया था बहुत ही नाइस, और खाना भी मेरे ब्रदर इन लॉ ने बनाया था, बहुत ही मज़े का खाना उन्होंने बनाया था।
एकदम बिल्कुल बाजारी टेस्ट था, और मेरी सिस्टर ने भी साथ बनाया था और ब्रदर इन लॉ ने भी माशाल्लाह। भी मैं अपनी सिस्टर को कहती रहती हूँ कि भाई आप तो बहुत लकी हैं, आपके हस्बैंड कुक भी कर लेते हैं माशाल्लाह से। तो ये देखें, उसके बाद ये कैंडल स्पार्कलिंग कैंडल जला रहे हैं, और बस उसके बाद इनने केक कट किया था, हम भी सब खड़े थे और हम इनको हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा के विश कर रहे थे, और हम सब साथ खड़े हुए थे और बहुत ही मज़ा आया। बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, केक कटिंग का टाइम बहुत इंजॉयमेंट वाला टाइम होता है, और हम सब भी खड़े हुए थे इनको देख रहे थे। और बस ये है कि उसके बाद फिर हमने केक कट करके काफ़ी मज़ा आया था। उसके बाद साल की हो चुकी है ना ये लिटिल मैडम जो है ना, ये 1 ईयर ओल्ड माशाल्लाह से हो चुकी हैं, और अभी तो माशाल्लाह से चलती भी हैं, बहुत जल्दी ये भी चली हैं। मेरी जो मीरप है वो भी बहुत जल्दी चली थी, और ये भी बहुत जल्दी चली हैं माशाल्लाह से। और बस फिर हमने काफ़ी इंजॉय किया था, और काफ़ी मतलब कि मज़ा आया था। मेरी बाकी कज़न भी एक दो आई हुई थी, मेरी आंटीज़ भी एक दो आई हुई थी, बैठ के हम लड़कियां वगैरह गप्पे लगा रही थी, बातें कर रही थी। ऐसे कभी कभी जब गेट टुगेदर होता है ना तो बातें करो, एक दूसरे से बातें करो, बहुत मज़ा आता है। लड़कियाँ बैठ के बातें करती हैं अपने बच्चों के बारे में कुछ भी। उसके बाद आप देख सकते हैं खाने में ये सीख कबाब्स थे बहुत ही मज़े के साथ, ये चिकन रोस्ट था ये भी बहुत ही मज़े का जूसी और था, और साथ ये चिकन बिरयानी थी ये भी बहुत ही मज़े की थी, और साथ रायता वगैरह था, और साथ मीट का शोरबे वाला सालन था बहुत ही मज़े का, साथ नान वगैरह थे, ड्रिंक्स थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मैं पाकिस्तान की आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा रही हूँ, इनके दादी दादा ने भी वहाँ पे अरेंजमेंट किया था इनके बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो काफ़ी नाइस उनने भी घर अपना डेकोरेट किया हुआ था। ये देख सकते हैं आप, उनका लिविंग रूम है, उनका सिटिंग रूम है सॉरी उनका, तो उनने काफ़ी डेकोरेट किया हुआ है इसमें, इन्हें बलून्स लगाए हुए हैं, इन्हें फ्लावर्स रखे हुए हैं बलून्स, और उनका फ़ोटोज़ वगैरह भी लगाए हुए हैं क्योंकि उनकी भी ये बहुत ही लाडली है माशाल्लाह से, और बहुत भी उनको भी इनसे प्यार है। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो है ना खाला है माशाल्लाह से, ये भी आई हुई थी माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत हैं ये, बहुत ही खूबसूरत इन्हें ड्रेसअप किया हुआ था, और ये भी व्लॉगिंग करती हैं, ये भी इनका चैनल का नाम है इशरत्स वर्ल्ड UK। आप इनको भी ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आपको अच्छे अच्छे खाने सीखने हैं, आपको टिप्स लेने हैं खाने में और केक्स बनाने में, और ऐसे आप इनका ज़रूर फॉलो कीजिए। और उसके बाद हमने बस थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की, बस लड़कियों का यही होता है जब इकट्ठी होते हैं तो फ़ोटोग्राफी वगैरह करती हैं ज़रूर। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। बस हंसते मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी जाइए पॉजिटिविटी फैलाइए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ 2 पल की है, उसके बाद सिर्फ मिट्टी की टेरी है। तो बस एक दूसरे से अच्छा हिलाक रखिए, खुश तबीयत रहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, और बस ये है कि आप सब अपना बहुत ख्याल रखना, एंड बाकी के टाइम डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट प्लीज़ डोंट गिव करोना टू एनीबॉडी। और बस अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, वीडियो देखने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह मैं वापस आऊँगी एक बहुत ही खूबसूरत व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।